कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी, नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। शांति सरोवर का यह प्रांगण जहाँ सतत योग साधना द्वारा शांति की किरणें फैलती रहती हैं, जो शांति स्तंभ बनकर जन जन को शांति और सुखमय जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता रहा है, तो आज ये शांति सरोवर की बगिया भी बहुत महक रही है हमारे बीच। हमारी माननीय बहन उदय लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, तो पुनः उनका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। तो इसी स्वागत की कड़ी में मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी कि वे आकर पुष्प गुच्छ एवं बैच लगाकर उनका स्वागत करें, और आप सभी सभा में उपस्थित भाई बहनों से भी अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट इसकी गूंज कम ना हो। माननीय बहन उदय लक्ष्मी जी, आदरणीय कमला दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी स्मृति बहन, सर्वप्रथम मैं संस्था का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मनुष्य मात्र की नैतिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करने वाली एक आध्यात्मिक संस्था है। इस संस्थान के समूचे भारत सहित विश्व के 138 देशों में 8000 से अधिक सेवा केंद्र कार्यरत हैं, जिसमें प्रतिदिन 8,00,000 से भी अधिक लोग आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा प्राप्त करने के साथ ही राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मुख्यालय राजस्थान प्रांत के माउंट आबू में स्थित है। यह संस्थान एक गैर सरकारी संस्थान के तौर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का परामर्श सदस्य है, तथा यूनिसेफ में भी इसका संबंध है। विश्व शांति की स्थापना हेतु संस्थान के प्रयासों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इसे वर्ष 1987 में शांति दूत पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी इस वर्ष भारत सरकार के साथ मिलकर देश भर में साल भर 15,000 कार्यक्रम करने और 10 करोड़ लोगों तक संदेश पहुंचाने का महान लक्ष्य रखा है, और ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों की सेवा और समर्पण का ये कमाल है कि जो लक्ष्य एक साल में रखा गया था ये 3 महीने में ही पूरा कर लिया गया है। और इस अभियान के तहत
जनवरी से मार्च तक 15,000 कार्यक्रम भी हो चुके हैं और कई आत्माओं को संदेश भी मिला है। तो सेवाओं का वृहद रूप देने के लिए ब्रह्मा कुमारीज की सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के तहत 20 विभाग बने हुए हैं, जिसके अंतर्गत देशव्यापी सेवाएं चल रही हैं। तो आज जो इस परिचर्चा का विषय है, विश्व शांति का अग्रदूत भारत, तो इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ ब्रह्मा कुमारी स्मृति बहन को। आपने अपना ग्रेजुएशन इंदौर स्थित दिव्य जीवन कन्यावास छात्रावास में पूरा किया, जो संस्थान के द्वारा ही संचालित है। आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित किया और आप विगत 6 वर्षों से शांति सरोवर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी स्मृति बहन को। ओम शांति। सर्वप्रथम मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि माननीय बहन उदय सिंह लक्ष्मी परमार जी, परम श्रद्धेय परम आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कमला दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी अदिति दीदी जी और सभा में उपस्थित आप सभी भाई और बहनें। कहते हैं भारत में अनेक प्रकार के जो त्यौहार मनाए जाते हैं, अनेक रस्म रिवाज मनाई जाती हैं, तो भारत की महिमा सर्वश्रेष्ठ है। कहते हैं शांति एक चित्र है तो उसका रंग है भारत, शांति एक उपवन है तो उसका बागवान है भारत। तो ऐसे भारत की महिमा की गई है कि सभी जगहों में भारत को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जितने भी देश हैं सभी जगह पर भारत को कहा गया कि भारत जैसा ऊंचा और कोई नहीं है। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु क्यों कहा? क्योंकि विश्व गुरु का अर्थ है भारत सभी को शिक्षा देने के निमित्त है, भारत सभी को सिखाने वाला है, सभी देशों को पूरे विश्व को आगे बढ़ाने वाला है। भारत में विश्व शांति के लिए अनेक प्रोग्राम होते रहते हैं और यह बताते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है कि अपना आज का जो यह कार्यक्रम है जिसका विषय है विश्व शांति का अग्रदूत भारत, तो ये प्रोग्राम भी जो है हमारा, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने अभी अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम रखा गया, तो अपने संस्था ने इस प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाने के लिए इसमें एक नया टाइटल ऐड किया है, अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर, कि भारत को सत्युगी दुनिया बनाने के निमित्त। तो इसके लिए हमें मुख्य रूप से क्या करने की आवश्यकता है? हम हर बार हर प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। आज देखा जाए तो कितने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, कितने सारे डेज मनाए जाते हैं, किस लिए? अपने आप को खुश करने के लिए। लेकिन वो खुशी क्या वास्तव में मिल रही है? वो शांति हमारे जीवन में वास्तव में आ रही है? नहीं। एक दिन के लिए हमने कोई त्यौहार मनाया, थोड़ी देर के लिए वो खुशी वो शांति मिलती है, फिर वो गायब हो जाती है। तो उसको सदा के लिए कायम कैसे रखा जाए? आज शांति जो है वो हम भौतिक चीज़ों में ढूंढते हैं कि आज हमने कुछ नया कर लिया तो हमें शांति मिलेगी। जैसे जिनके पास धन है वो सोचते हैं कि हम आज एक अच्छा सा घर बना लेते हैं तो शायद हमें सुख शांति मिले। कोई सोचता है हमने एक अच्छी सी गाड़ी खरीद ली तो हमें सुख शांति मिलेगी। चलिए आज किसी ने BMW ही खरीद ली, लेकिन क्या BMW खरीदने से हमारे जीवन में सुख शांति आई? ये सारी भौतिक साधन है, भौतिक साधनों से हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती है। वास्तव में ये जो सुख शांति हम बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, बाहर है ही नहीं, इसीलिए हमें मिलता भी नहीं है।
तो एक बार की बात है, एक बूढ़ी सी माता जी थी। उस माता जी का जो है एक छोटी सी झोपड़ी थी और उस झोपड़ी की चाबी माता की गुम हो गई। तो माता जी बाहर, शाम का समय था, बाहर स्ट्रीट लाइट जल रहा था, उसकी रोशनी में माता जी चाबी ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गए चाबी ढूंढते ढूंढते, लेकिन उनको चाबी नहीं मिली। तो आसपास के जो पड़ोसी लोग थे उन्होंने भी उनकी मदद करनी शुरू की कि बेचारी माता कब से चाबी ढूंढ रही है, शायद हम उनकी मदद कर दें तो उनको चाबी मिल जाए। बहुत लोगों ने ढूंढने की कोशिश की लेकिन फिर भी चाबी नहीं मिली। तभी उसी में से एक समझदार व्यक्ति उस माता जी के पास गए और बोले, अच्छा मैया ये तो बताओ कि चाबी गिरी कहाँ थी, तो ढूंढना आसान हो जाएगा। माता ने कहा, बेटा चाबी तो मेरी झोपड़ी में अंदर गिरी है, लेकिन झोपड़ी में अंधेरा है इसीलिए बाहर रोशनी में ढूंढ रही हूँ। तो क्या कभी चाबी मिलने वाली है? नहीं, क्योंकि जहाँ गिरी है वहाँ तो हम ढूंढ ही नहीं रहे। इसी तरह से ये सुख शांति जो आज हम बाहर भौतिक चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, वास्तव में उन चीज़ों में ये है ही नहीं। इसीलिए कितना भी हम ढूंढ रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितने जगह तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, फिर भी हमें हमारे जीवन में वो सुख शांति नहीं मिल पाती है। तो इसको हमें ढूंढने के लिए अपने अंदर जाने की आवश्यकता है। जितना हम अपने भीतर जाएंगे, जितना हम अपने अंदर जाएंगे, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए बाहरी दुनिया में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो परमात्मा, जब हम अपनी पहचान को खुद भूल गए, हम कौन हैं, क्या हैं, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, हमारे अंदर क्या शक्तियाँ हैं, संपूर्ण रूप से अपनी सारी वास्तविक पहचान को भूल गए, तब वो परमात्मा पुनः इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हमें हमारी पहचान दिलाते हैं कि हम हैं कौन। हमें स्वयं की पहचान होती है कि वास्तव में आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। परमात्मा ने आकर कहा कि बच्चे, शांति तो तुम्हारे गले का हार है, शांति तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इसे हमें बाहरी दुनिया में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आज भारत भूमि को कहा जाता है कि शांति का अग्रदूत है। शांति को पूरे विश्व में फैलाने के निमित्त भारत है। भारत को अखंड भूमि का, जिसका कभी खंडन नहीं होता। भारत ही वो भूमि है जिसको हम आदिकाल से अगर देखें तो आदिकाल में जो सतयुग त्रेता युग का समय था, उस समय जो देवी देवताएं इस देश पर राज्य करते थे, वो देवी देवताएं अपने आत्मशक्ति से भरपूर थे। इसीलिए उनके जीवन में अपनी भरपूरता के कारण जो है उन्होंने अपने जीवन में सभी शक्तियों की रक्षा की। जैसे जैसे हम अपनी शक्तियों को भूलते चले गए, आगे जैसे जैसे हम सतयुग त्रेता युग से आगे बढ़ के द्वापर कलयुग में आए और यहाँ हमने अपनी पहचान खोई। पहचान खोने का आधार क्या था? हम अपने आप को अपनी वास्तविक पहचान से दूर करने लगे। जैसे जैसे हमने वेस्टर्न कल्चर को अपनाना शुरू किया, अपनी संस्कृति को भूले, अपनी सभ्यता को भूले, नैतिक मूल्यों को भूले, और तब कहीं हमारे जीवन में पतन होना शुरू हुआ। हमारा भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, भारत की महिमा में कितने सुंदर सुंदर गीत बने हैं कि भारत जो है वो सोने की चिड़िया है। कहते हैं, जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। तो सोने की चिड़िया की महिमा की गई है, लेकिन क्या वास्तव में सोने की चिड़िया होती है या सोने के पेड़ होते हैं? नहीं, ये हमारे श्रेष्ठ चरित्र सुंदर विचारों को दर्शाता है कि हमारे विचार सोने के समान, सच्चे कुंदन के समान हुआ करते थे। हमारे विचारों में जो है बहुत शक्ति हुआ करती थी, और जब हम अपने विचारों की शक्तियों को खोए, यहाँ पे हमारे अंदर जो मधुरता थी, मधुरता के बदले हमारे जीवन में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। जो हमारा व्यवहार एक दूसरे के लिए होता था, हमेशा कल्याण की भावना होती थी, और वो कल्याण की भावना खत्म हो करके हमारे जीवन में आज हर एक के लिए जो है हीन भावना, या कहें कि खुद को ऊपर उठाने के लिए हमने दूसरों को नीचे गिराना शुरू कर दिया। तो इस आधार पर जो है भारत का भी एक तरह से देखा जाए तो पतन होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे भारत नीचे गिरा, वैसे वैसे पूरे देश में जो है वो गिरावट आनी शुरू हुई।
तब परमात्मा पुनः इस सृष्टि पर आकर प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर के फिर से हमारी शक्तियों को जगाने का काम करते हैं। और तब देखा जाता है, तब से ही अपने भारत में भी परिवर्तन आना शुरू हुआ। नारी को कहाँ तो नर्क का द्वार समझा जाता था, लेकिन अभी देखा जाता है जब से परमात्मा इस सृष्टि पर आए, नारी को स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनाया, नारी को ऊंचा उठाया। आज भी घर घर में जब किसी कन्या का जन्म होता है या नवविवाहित बहू आती है तो कहते हैं बाहर अपने घर में लक्ष्मी आई है, है ना। तो कन्या को लक्ष्मी से मतलब हमारे घर की, हमारे देश की जो महिमा है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। मतलब भारतवासियों को देवी देवताओं से उनकी तुलना की गई कि भारतवासी देवी देवताओं के समान हैं। और भारतवासियों की महिमा सर्वश्रेष्ठ सभी देशों में गाई गई। आज देखते हैं कि साइंटिस्ट नित नए नए खोज कर रहे हैं, चांद तक पहुंच गए हैं। आज ये ढूंढा जाता है कि मंगल पर जीवन है या नहीं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे जीवन में मंगल है या नहीं, हमारा जीवन कितना मंगलमय है, कितना सुख शांति से संपन्न है। तो हमारा जो ये आज का टॉपिक है कि भारत अग्रदूत है इस विश्व को आगे बढ़ाने का, इस विश्व में शांति फैलाने का। तो मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अपनी संस्था विगत 86 ईयर्स से रोज़ नित नए कार्यक्रमों के द्वारा इस विश्व के शांति के लिए कार्यरत है। 1987 में अपने संस्था के मुख्य पूर्व प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जी को जो है उनको एक आविष्कार, उनको एक पुरस्कार मिला था शांति दूत के लिए, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा ये पुरस्कार उनको मिला था। और तब से जो है भारत को, हमारे संस्था को, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय को मुख्य रूप से जो है 7 शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस तरह से हमारी संस्था जो है नित्य नए प्रोग्राम्स के थ्रू जो है, रोज़ नए नए कार्यक्रम्स के आधार पर जो है, इस दुनिया को एक नई दिशा देने के निमित्त बन रही है। रोज़ नए नए जो प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, तो सिर्फ कार्यक्रम एक दिन के लिए नहीं है कि एक दिन हमने कोई प्रोग्राम किया और फिर बस यहीं पे स्टॉप, नहीं। हमें अपने प्रोग्राम को अपने जीवन में उतारना होगा, रोज़ हमें अपने लिए कुछ करना सीखना होगा। आज हम जो है, जब हम अपने आप को बदलेंगे तब इस विश्व में परिवर्तन आएगा। कहते हैं स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन का आधार है। तो पहले हमें स्वयं को परिवर्तित करना शुरू करना होगा, तब जाके कहीं हम पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकेंगे। तो विश्व के परिवर्तन के निमित्त हम वो आत्माएं हैं जो हम परमात्मा के सहयोग के आधार पर परमात्मा के इस दिव्य कार्य को, कहते हैं कि नाभि ने नाव बनाई और उस नाव के जरिए जो है सुखमय दुनिया तक जाने का रास्ता बनाया। तो अभी जैसे ब्रह्मा कुमारीज में इस समय को पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तो ये वो समय है जिस समय परमात्मा इस सृष्टि पर आ करके हम आत्माओं को सतयुगी दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। तो उस दुनिया में जाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन के माध्यम से परमात्मा ने इस नाव के द्वारा हमें सतयुगी दुनिया में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अभी आप सभी भाई बहनों को भी तहे दिल से निमंत्रण है कि आप सभी भी इस नाव पर आएं और इस नाव के जरिए नई दुनिया सतयुगी दुनिया के लायक बने। और इस नाव पर बैठने का कंडीशन क्या है? सिर्फ खुद के कमी कमजोरियों को छोड़ना, अपने अवगुणों को बदलना, अपने जीवन में नवीनता लाना। जैसे हमारे आदिकाल के देवी देवताओं की महिमा है, वैसी महिमा हमें खुद स्वयं के अंदर भरना शुरू करना है। और अंत में मैं अपने वाणी को विराम देते हुए यही कहूँगी कि हे मानव, अहिंसा के मार्ग पर चल।
हे मानव, अहिंसा के मार्ग पर चल, हिंसा तेरा धर्म नहीं। शांति के पथ पर चल, अशांति तेरा कर्म नहीं। परम सत्ता का अंश है तू, परम सत्ता का अंश है तू, जो मानव देह को पाया है, विश्व कुटुंब को सार्थक करने तू स्वर्ग लोक से आया है, तू स्वर्ग लोक से आया है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा कुमारी स्मृति बहन का। सचमुच ये बात 100% सत्य है कि भारत ही विश्व का शांति दूत बनेगा, क्योंकि जब चारों ओर युद्ध का वातावरण है तब सबकी नज़र भारत की ओर है कि भारत बीच में आए और कुछ हल ज़रूर निकाले। पर आज ये परिचर्चा का विषय है कि हमारा कर्तव्य क्या है, कि हम इस विश्व शांति में क्या योगदान देंगे। तो बहुत अच्छी बात बताई कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो ये कुछ पंक्तियाँ हैं कि जब हर इंसान शांति का दूत बने, जब हर एक सुख प्रेम का सूत्र बने, जब हर एक दिल शुभ भावनाओं का यत्र बने, तब देश विश्व शांति का आधार बने, तब देश विश्व शांति का आधार बने। तो अब कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय बहन उदय लक्ष्मी सिंह परमार जी का। आप जिला न्यायाधीश हैं, साथ ही आप छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की रजिस्ट्रार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। कर्म करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी जी लेते यहाँ, तुम जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व को लेकर हम सबके बीच में उपस्थित है माननीय बहन उदय लक्ष्मी सिंह जी। तो अब मैं आमंत्रित करती हूँ, अपने विचार आप इस विषय पर रखें। ओम शांति। धन्यवाद बहन अदिति जी। आज के इस कार्यक्रम के गरिमा में मंच पर उपस्थित परम श्रद्धे आदरणीय कमला बहन जी, साथ ही मंच पर उपस्थित मेरी पूर्व वक्ता बहन जी अदिति स्मृति, सॉरी माफ करिएगा स्मृति दीदी, क्योंकि पहली बार आप का नाम सुना है कमला दीदी से, तो मेरा पूर्व में भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिल चुका है। इस गरिमा में सदन में उपस्थित सभी आदरणीय भाइयों और बहनों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम का विषय है शांति का अग्रदूत भारत, विषय के संबंध में अपने अत्यंत संक्षिप्त ज्ञान को आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। यदि कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करिएगा। हम यदि शांति के अग्रदूत के रूप में भारत की बात करें तो हम सबसे पहले तो यह विचार करें कि शांति क्या है। शांति शब्द से तो सब भली भांति परिचित है, लेकिन हम किस अवस्था को शांति कहेंगे? तो मुझे लगता है कि शांति एक ऐसी अवस्था हो सकती है जहाँ सभी चीज़ें सामान्य हो, अर्थात हम जीवन को सहजता, संतुष्टि और निश्चिंता के साथ यदि स्वीकार करते हैं तो ये एक शांति की अवस्था हो सकती है। शांति के मायने या शांति के अर्थ भी व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं, परिवार के लिए अलग,
समाज के लिए अलग और किसी राष्ट्र के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग हो सकते हैं। व्यक्ति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मन की शांति, आत्मा की शांति, दिमाग की शांति, शरीर की शांति प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है। हम थोड़ा सा वृहद रूप में बात करें परिवार की, तो हमको लगता है कि एक परिवार में आपसी सामंजस्य बना रहे, हर कार्य परिवार का बिना किसी बाधा अवरोध और विवाद के हो, तो यहाँ बात परिवार की शांति की होती है। उसी तरह यदि समाज की शांति की बात करें तो समाज में ना तो कोई एक धर्म होता है ना कोई एक जाति होती है, तो समाज के सभी धर्मों में आपसी सहिष्णुता रहे, सभी जातियों में बिना इस विचार के कि वो किस कुल परिवार और जाति के हैं समरसता बनी रहे, तो ये सामाजिक शांति कही जा सकती है। राष्ट्र की शांति की बात करें तो एक राष्ट्र विभिन्न सामाजिक राजनीतिक ढांचे से गठित होता है। एक राष्ट्र में एक सरकार होती है, सत्ता पक्ष होता है, विपक्ष होता है, कई सारे राजनीतिक दल होते हैं, उन सभी दलों की अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने मौलिक सिद्धांत होते हैं। तो यदि राष्ट्र की शांति की बात करें तो जब राष्ट्र के विकास की बात हो तो सभी दल, सभी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान न देते हुए राष्ट्र के विकास में एक रस एक रूप होकर कार्य करें तो ये राष्ट्र की शांति की बात होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति को पे विचार करें तो प्रत्येक देश अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़कर आतंकवाद का त्याग करके, आर्थिक हितों का त्याग करके यदि संपूर्ण विश्व में शांति के विषय में सोचे तो इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति कह सकते हैं। अब इसी में यदि हम भारत की भूमिका देखें तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और ऐसा नहीं है कि हम आज भारत को शांति का अग्रदूत कह रहे हैं या आज हम बैठ के भारत में शांति की बात कर रहे हैं या भारत को कहते हैं कि भारत शांति का अग्रदूत है। हम यदि वैदिक काल से ही देखें तो हमारा इतिहास शांति से परिपूर्ण है। हमारे ऋषि मुनियों ने संपूर्ण राष्ट्र में, समाज में शांति हो इसके लिए नाना प्रकार के अनुष्ठान किए हैं, यज्ञ किए हैं। यदि हम बात त्रेता युग की करें तो भगवान श्री राम भी शांति पुरुष ही थे, शांति के अग्रदूत ही थे। जब यदि हम रामायण के दृष्टांतों की बात करें कि जब ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो गई कि भगवान श्री राम को युद्ध करना पड़ा, तब भी उन्होंने प्रथम प्रयास अंगद को रावण के पास भेजकर शांति का ही किया था। उन्होंने अंगद के माध्यम से रावण को शांति का संदेश ही दिया था, ये बताने का प्रयास किया था कि रावण जो इतना प्रकांड विद्वान माना जाता था कहाँ अपने पथ से भ्रष्ट होकर अशांति की बात कर रहा है। तो भगवान राम ने भी ऐसा नहीं था कि सीधे युद्ध की बात कर दी, प्रथम प्रयास शांति का किया। यदि हम बात द्वापर युग की करें तो भगवान श्री कृष्ण भी शांति के दूत कहे जाते हैं। कुरुक्षेत्र के कौंडव पारो युद्ध से पूर्व उन्होंने ही शांति का प्रयास किया था, वे ही पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर कौरवों के पास गए थे और वहाँ उन्होंने उस युद्ध को टालने के संपूर्ण कारण बताते हुए यह समझाने का प्रयास किया था कि किस तरह से शांति कौरव और पांडवों के माध्यम से संपूर्ण विश्व में उन्नति को ला सकती है। हम इसके बाद बात करें तो महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा गांधी और ऐसे अनगिनत नाम हैं जिसको उंगलियों पर गिनना संभव नहीं है, जो भारत के शांति के दूत कहे जा सकते हैं, जिन्होंने भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में अपने विचारों के माध्यम से शांति के संदेश को पहुंचाने का प्रयास किया।
जिस समय कलिंग युद्ध हुआ और कलिंग युद्ध के नरसंहार को देखकर सम्राट अशोक का मन द्रवित हुआ, तो उन्होंने उस युद्ध के बाद ही उनका मन परिवर्तन हुआ और शांति की ओर कदम बढ़ाया, और न सिर्फ खुद संपूर्ण विश्व में शांति के अग्रदूत बने, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को भी इस दिशा में सम्मिलित करते हुए संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेषित करना शुरू किया। आज भारत के अलावा विश्व के कई सारे देश और एशिया के तो लगभग बहुत सारे देश हैं जो महात्मा बुद्ध की के जो संदेश हैं उनको मानते हैं। महात्मा बुद्ध के ही संदेशों को मानने के कारण हम देख सकते हैं कि जब जापान में के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, और उसके बाद जापान जब पुनः अपने आप को खड़ा किया, तो कहीं ना कहीं जापान के ऊपर बुद्धत्व का प्रभाव था कि उसने महात्मा बुद्ध के शांति के जो संदेश हैं उसको आत्मसात करके अपने आप को पुनः खड़ा किया। तो उस तरह से शांति के अग्रदूत के रूप में भारत हमेशा से काम करता रहा। हम भारत के स्वतंत्रता के बाद अगर बात करें तो उस समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था। एक गुट सोवियत संघ का समर्थक था और दूसरा गुट पश्चिम देशों का समर्थक था, अमेरिका जिसमें प्रमुख था। संपूर्ण विश्व के लगभग सभी देश या तो सोवियत संघ गुट में थे या पश्चिम देशों के गुटों में थे, लेकिन उस समय भारत ने यह निर्णय लिया कि वो किसी भी गुट का समर्थक नहीं बनेगा, और भारत ने अपना एक गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। गुट निरपेक्षता मतलब हम दोनों में से किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, जो भी समूह सत्य अहिंसा और शांति की बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, और जहां भी इन मूल्यों का अवमूल्यन होगा हम उसके विरोध में खड़े रहेंगे। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस समय भी जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया या जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कंट्रोल किया, तब भी अपनी उसी गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करते हुए या पूरे विश्व में शांति का संदेश देते हुए भारत ने किसी भी अशांत कदम का कोई समर्थन नहीं किया। तो इस तरह से हमारा जो विषय है कि भारत विश्व शांति का अग्रदूत है, तो न सिर्फ आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात बल्कि हम पुराने समय में भी देखें तो भारत हमेशा से विश्व शांति का अग्रदूत होने की ही भूमिका अदा कर रहा है। अब यदि विचार ये करें कि ठीक है, हमने भारत की बात तो कर ली, अब भारत शांति का अग्रदूत है भी, हमारे जो बुद्धिजीवी और विद्वान लोग हैं वो उसमें अग्रणी भूमिका निभा भी रहे हैं, हमको सोचना चाहिए कि इसमें हमारी भूमिका क्या हो सकती है। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा था कि हम इस समय भौतिकतावादी संस्कृति में उलझते जा रहे हैं। जब एक परिवार में एक बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और वो स्कूल जाना चालू करता है, तो हम तभी से उसको अशांत बनाना शुरू कर देते हैं। किस तरह से अशांत? हम उसके व्यक्तित्व का समग्र विकास करने का जो तथ्य है उसको तो दूसरी तरफ रख देते हैं। हम उसमें एक भावना शुरू से डालना शुरू कर देते हैं कि देखना बेटा, तुमको क्लास में नंबर वन आना है, तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। तो बच्चे के मन को, जो कि हमारा दायित्व होता है कि हम शांत करें और शांति के साथ धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व का विकास करें, हम क्या करते हैं, अशांत करने लगते हैं उसके मन को। उस बच्चे को पूरे समय ये प्रेशर हो जाता है कि नहीं, मुझे पूरे नंबर लेकर आने हैं, नहीं तो मेरे माता पिता मुझसे नाराज हो सकते हैं। तो हमारी भूमिका क्या होगी? हम यहीं से उसके व्यक्तित्व के विकास में योगदान करना शुरू करें कि एक व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास एक शांत और स्थिर चित्त ही कर सकता है। एक अशांत चित्त कभी भी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। और सिर्फ 100 में से 100 नंबर लाने वाला व्यक्ति संपूर्ण होगा, या उसके व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होगा, या वो एक स्वस्थ समृद्ध उन्नत शांत समाज परिवार और राष्ट्र की के निर्माण में कोई भूमिका अदा कर पाएगा, इसके संबंध में मेरा मत पूर्णतः नकारात्मक है। मेरा मानना है कि जब तक हम शांत चित्त के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम न तो स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं, न ही समाज के, न ही परिवार के, न ही राष्ट्र के।
स्वयं के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं शांत मन इसलिए ज़रूरी है कि उसी के साथ जीवन में संतुष्टि भी आती है। और जैसे मेरा कहना है कि शांत मन व्यक्तित्व, परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में भूमिका निभाता है, उसी तरह संतुष्ट मन भी निभाता है। और आज जहां हम उपस्थित हैं, यदि इस संस्थान की बात करें तो प्रजापिता ब्रह्मकुमारी संस्थान इस दिशा में निश्चित रूप से एक ऐसा योगदान दे रहा है जिसकी कोई तुलना, कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हालांकि बहुत दिनों के बाद मेरा यहाँ आना हुआ, लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो जिस समय प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी मेरे द्वारा की जा रही थी, मैंने अपना अध्ययन मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में किया और वहीं रहते हुए मैंने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी की। एक समय ऐसा आया था मेरे जीवन में कि जब तैयारियां बहुत अच्छे स्तर की थी, और जैसा आप लोग जानते हो अगर कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियों का एक चरण होता है, प्रारंभिक परीक्षा, लेखन परीक्षा, साक्षात्कार, तो मेरे साथ दो बार ऐसा हुआ कि साक्षात्कार परीक्षाओं से मुझे दो बार असफलता मिली, और वो असफलता या तो 3 नंबर या 2 नंबर की थी, और मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे सभी साथियों का अंतिम चयन हो गया। तो एक ऐसी अवस्था थी जब मेरा मन अशांत, उद्वेलित हो गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, इस तैयारी को जारी किया जाए या अपने जीवन का मार्ग बदला जाए। तभी जिस बिल्डिंग में मेरा घर था, उसी बिल्डिंग में ऊपर तल में जो एक मौसी मेरी रहती थी, जिनको बिल्डिंग में रहने के नाते मौसी कहते थे, तो उन्होंने ऐसे ही बातचीत में बताया कि यहीं पलासिया में एक ब्रह्मकुमारी संस्थान है, मैं वहाँ गुरुवार को जाती हूँ और आज मेरे पास कोई है नहीं जो मुझे लेके जाए, तुम गाड़ी चला लेते हो तो मुझे लेके चल चलो। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा ऐसा कोई जुड़ाव नहीं था इस संस्थान से, उनको लेके जाना था। हम उनको लेके चले गए वहाँ। वहाँ जाके जो दीदी थी उनसे इत्तेफाकन काफ़ी सारी बातें हुई। उस दिन पहली बार मैंने मुरली शब्द को सुना कि मुरली क्या होता है, मुझे उससे पहले तक कुछ नहीं पता था। उस दिन उनसे मुरली भी सुन ली क्योंकि मुझे उस समय कुछ करना था नहीं। तो उसको सुनने के बाद और दीदी से बातें करने के बाद मुझे जो एक मेरा मन अशांत था असफलता को प्राप्त करके या उद्वेलित था, उससे कुछ राहत मिली। फिर ऐसा कुछ हुआ कि लगभग कई सारे गुरुवार उनके साथ वहाँ जाने का सौभाग्य मिला। और हालांकि मैंने वहाँ जाके कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन ये दृष्टांत बताने का उद्देश्य इसलिए है कि कहीं ना कहीं मेरे अंतर मन में या मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में इस संस्थान का योगदान रहा है, जिसने हो सकता था उस समय मुझे कोई भटकाव हो जाता, कोई अशांति होती, कहीं कुछ और होता, जिसने मुझे एक शांत मन या कहना चाहिए शांत चित्त प्रदान किया। उसके बाद हालांकि मेरा वहाँ जाना बंद हो गया, मैंने फिर से परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी और बाद में मेरा चयन छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक परीक्षाओं के लिए हो गया। यहाँ आने के बाद भी ऐसा हुआ कि जब मेरी रायपुर में पदस्थापना थी 2013 से 16 में, तब फिर यहाँ आने का सौभाग्य मिला और उसी दौरान आदरणीय कमला दीदी से के दर्शन भी हुए और कुछ दिन तक यहाँ लगातार आते रहे। फिर एक लंबे अंतराल के बाद फिर आज आना हुआ। तो मेरा आप लोगों से कहने का उद्देश्य ये कि ये जो संस्थान है, ये संस्थान व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में एक सक्रिय योगदान करता है। ऐसा नहीं कि ये संस्थान किसी कार्यक्रम को करा के अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और जहाँ तक हम शांति की बात करते हैं, चित्त के शांत होने या मन के शांत होने की बात करते हैं, तो यहाँ के जो नियम हैं, यहाँ के जो कोर्सेज हैं, ये संस्थान उसमें सक्रिय योगदान करते हुए हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी भूमिका अदा करता है। और समाज को ये संस्थान ऐसे व्यक्तित्व देता है जो समाज में अपना सक्रिय योगदान भी करता है। तो हमारा जो विषय था, विषय से थोड़ा हटके संस्थान की बात, या मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन की बात इसलिए कर ली कि मैं संस्थान से आत्मिक रूप से मेरा जुड़ाव है, और ये जो विषय भी है कि शांति के अग्रदूत के रूप में भारत की भूमिका, तो उसमें भी जैसे ये प्रोग्राम तो निश्चित रूप से हो ही रहे हैं, और ये प्रोग्राम के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत किस तरह से शांति के अग्रदूत के रूप में कार्य कर रहा है। बल्कि इस प्रोग्राम के माध्यम से ये संस्थान
ये संदेश देने का प्रयास भी कर रही है कि शांति केवल किसी एक व्यक्ति के सोचने से, किसी एक संस्था के सोचने से, किसी एक राष्ट्र के सोचने से संभव नहीं है। हम सभी को इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना है और हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य निश्चित रूप से शिक्षा और उसका उसका व्यक्तिगत विकास तो होना ही चाहिए, बल्कि उसका अंतिम उद्देश्य जो आध्यात्मिक शांति को प्राप्त करना भी होना चाहिए। क्योंकि हम यदि कोई व्यवसाय कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, तो अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, इस शरीर के जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, लेकिन शरीर हमारे इस जीवन का ध्येय नहीं है। शरीर की मुक्ति किसकी होती है? आत्मा की। शांति किसकी बात करते हैं? आत्मा की। शरीर की शांति तो सिर्फ इतनी है कि हम निरोगी रहें, अगर हमको कोई रोग नहीं रहे हैं, हम निरोगी हैं, तो शरीर की शांति। लेकिन हमारे मन की शांति और हमारी आत्मा की शांति तभी संभव है जब हम अपने जीवन में धार्मिक या आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर हो सकें। और जब हम उस पथ पर अग्रसर होंगे तभी हम एक श्रेष्ठ मानव, या जो कल्पना है कि एक ऐसी दुनिया बनने वाली है जिसमें श्रेष्ठ मानव प्रवेश करेंगे, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। और तभी हम एक अच्छे परिवार का निर्माण भी कर सकते हैं, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण भी कर सकते हैं, और एक अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। और एक अच्छा व्यक्तित्व ही एक शांत स्वस्थ चित्त ही इस राष्ट्र के विकास में सकारात्मक योगदान दे सकता है, तभी हम सकारात्मकता की बात कर सकते हैं। अब फिर से वही कि अगर हम भारत की बात करें तो मैंने जैसे कहा था कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया है, उसी समय एक सिद्धांत और लागू हुआ था, पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत जो कहता है, वही बात आज भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लागू कर रहे हैं कि हमको एक दूसरे की, एक दूसरे राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र को अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अनावश्यक किसी राष्ट्र के ऊपर युद्ध प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तो सिद्धांत का पालन इसलिए भी आवश्यक है कि कई सारे राष्ट्रों ने परमाणु शक्ति अर्जित कर ली है। यदि हम शांति की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर नहीं ले गए तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी राष्ट्र का संचालन किसी अपरिपक्व अशांत व्यक्ति के हाथ में आ जाए और वो परमाणु शक्ति का उपयोग कर ले। और यदि ऐसा हो गया तो वो राष्ट्र ही नहीं, या सिर्फ वो राष्ट्र नहीं जिसके ऊपर परमाणु शक्ति का उपयोग किया गया है, संपूर्ण विश्व को इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। संपूर्ण विश्व उससे अछूता नहीं रह सकता। जैसा हम जानते हैं कि जब नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु अटैक हुआ था, जापान आज भी उस दंश को झेल रहा है। तो इससे ये जो सिद्धांत हैं शांति के, या पंचशील के सिद्धांत कह लें, गुट निरपेक्षता के सिद्धांत कह लें, या जो भारत की वर्तमान जो भारत की भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको कह लें, ये सारे जो जो सिद्धांत है, इसको सक्रिय योगदान करने में भारत आज भी अग्र भूमिका निभा रहा है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश भारत जो है, न सिर्फ वैदिक काल से बल्कि आज भी शांति के अग्रदूत के रूप में स्थापित है, और आने वाले समय में भी इस तरह की जो आपके प्रोग्राम्स हैं, जिससे आप संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में योगदान कर रहे हैं, उसके माध्यम से भी हम एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हुए भारत को शांति के अग्रदूत के रूप में स्थापित करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बहन उदय लक्ष्मी जी का। आपने जैसे बताया कि भारत ही विश्व का शांति दूत बनेगा, क्योंकि भारत की संस्कृति ही शांति है, भारत के डीएनए में ही शांति है। अब हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि माननीय राम विचार नेताम जी पहुंच चुके हैं। तो पुष्प गुच्छ से स्वागत कर रही हैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, तो ज़ोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप संस्था के बहुत ही स्नेही सहयोगी रहे हैं और माउंट आबू में भी आपका जाना हुआ है। तो विश्व शांति की ज्योत जगाने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं,
हम सभी अपने शांति की तरंगे पूरे विश्व में फैलाएंगे। तो आइए हम सभी मिलकर शुभ संकल्पों का दीप जलाएं। तो मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आप आए। आप सभी भी अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन करें तो बहुत ही सुंदर ये सभा का दृश्य सबको लगेगा। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला, दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। अब इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय राम विचार नेताम जी को। आप छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। वर्तमान समय आप राज्यसभा के सांसद के रूप में कार्यरत हैं। आप संस्था से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। 2008 में जब छत्तीसगढ़ का पूरा मंत्रिमंडल पक्ष विपक्ष माउंट आबू में राजयोग शिविर के लिए गया था, तब आप भी परिवार सहित वहां शामिल हुए थे और आपका व्यक्तित्व बहुत ही सरल सहज है और हमारे एक सहज निमंत्रण से ही आप हमारे बीच में पधारे, अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में समय निकाल कर पहुँचे हैं। तो आपका पुनः दिल से स्वागत है, स्वागत है। तो आपसे अनुरोध है कि आज के इस विषय पर कि विश्व शांति का अग्रदूत भारत कैसे बनेगा, तो इस पर अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय राम विचार नेताम जी का। ओम शांति। आज विश्व शांति की दिशा में जो शांति सरोवर में जो कार्यक्रम आज संपन्न होने जा रहा है, उसके लिए आज श्रद्धेय दीदी ब्रह्म कुमारी कमला दीदी जी और अभी मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ पे बैठी हैं बहन जी सविता दीदी जी, सही सभी भ्रातागण, सभी देवियों सजनों, यहाँ आने से अपने आप ही शांति की अनुभूति होती है। जिस शांति की खोज के लिए आज पूरी दुनिया परेशान है, पूरा विश्व परेशान है, लोग ये नहीं देखते हैं कि वो शांति कहीं नहीं, यहीं है, आपके पास में ही है। और जिस दिशा में, जिस गुरुतर दायित्व को लेकर के विश्व शांति कैसे स्थापित हो, इसको अगर करने के लिए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा साल में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित करके विश्व को जो संदेश देने का काम हो रहा है, दुनिया को एक दिशा देने का जो काम हो रहा है, मैं समझता हूँ कि और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये बात सही है कि मैं इस संस्था से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा
समय समय पर दायित्व तो बदलते रहता है, और दायित्व बदलने की वजह से हम लोग भी थोड़ा दूर हो गए थे, लेकिन जहाँ कहीं भी रहे हैं, इस संस्था के द्वारा जो संदेश दिए जाते हैं, लोगों को जो मानव जीवन में कैसे हमें सफल बनना है, जीवन को कैसे सफल बनाना है, देश के लिए एक अच्छे नागरिक कैसे बनना है, अच्छे नागरिक बनने के लिए अच्छा परिवार चाहिए, अच्छे परिवार में उसकी तालीम, उसकी शिक्षा, उसकी नैतिक शिक्षा, ये सब संदेश जो देते हैं अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। आज की जो दिनचर्या है, जो भाग दौड़ है, समाज का जिस प्रकार से नैतिक पतन एक से एक रोज होने वाली तरह तरह की जो घटनाएं, उससे निश्चित ही मन को भी उद्वेलित करता है, विचलित भी करता है, और उसी के बीच में ये संस्थान समाज को कैसे एक दिशा दें, एक सुशिक्षित समाज कैसे बने, सुसंस्कारित समाज कैसे बने, परिवार आज इस प्रकार से टूट रहा है, उसके बीच में परिवार को कैसे जोड़ करके संस्कारवान कैसे बनाया जाए, इस काम के लिए अनवरत काम करने वाले ऐसे दीदी गण, भ्राता गण अपनी सभी जीवन लगा करके इस संस्था में जुड़ करके लगातार जो काम कर रहे हैं, वो सब निश्चित हैं हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। और जिस खोज के लिए आज दुनिया परेशान है, मैं समझता हूँ कि सिद्धांत को अगर कोई समझेगा, पालन करेगा, तो आज विश्व शांति की दिशा में जो पहल प्रयास चल रहा है, वो निश्चित ही एक दिन ऐसा समय आएगा कि सभी को इस दिशा में बढ़ करके, इस संस्था से जुड़ करके अपना जीवन का सफल बना सकता है। ये भावना के साथ मैं आज आपके बीच में, यद्यपि मुझे कहीं और जाना था, लेकिन सविता दीदी ने और कमला दीदी का जो आदेश था, मैं उसे टाल भी नहीं पाया, और उसी में से समय निकाल करके मुझे आना पड़ा। और आप सभी देवतुल्य देवियों के भी दर्शन हुए। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रामविचार नेताम जी का। आपका संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूँगी कि आप ब्रह्मा कुमारीज की इंदौर जोन की क्षेत्रीय निर्देशिका के रूप में ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित हैं। इसके अलावा आप राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन तथा ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य के रूप में कार्यरत हैं एवं सुरक्षा विभाग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो अब हम सुनते हैं आज के इस विषय पर परम आदरणीय कमला दीदी जी के विचार। ओम शांति। मंच पर उपस्थित माननीय भ्राता राम विचार नेताम जी, माननीय आदरणीय बहन उदय सिंह लक्ष्मी बहन, प्रिय स्मृति बहन,
प्रिय अदिति बहन, हाल में उपस्थित आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आज का जो कार्यक्रम है अपने हेडक्वार्टर माउंट आबू रोड में डायमंड हॉल में विश्व के कई हजार मेहमान आए हैं और ये कार्यक्रम शुरू हुआ है ग्लोबल समिट 10 से 14 तक के लिए है। बहुत अच्छे अच्छे मेहमान आए हैं, अपने रायपुर से भी मेहमान गए हैं। तो जो विश्व शांति का अग्रदूत भारत है, भारत की नीतियाँ तो बहुत सिद्धांत बहुत महान रहे हैं और हैं, तो जो शांति की बात आती है तो जैसे अभी वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि निकट भविष्य में बहुत बाढ़ आएगी, समुद्र का पानी का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा, कितने कितने फीट ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पिघल जाएंगे, इतना पानी आ जाएगा, दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। तो ग्लेशियर क्यों पिघल रहे हैं, तो एक बार पेपर में छपा था, उसके 5 कारण बताए थे। पहली चीज़ तो है जनसंख्या, जनसंख्या जो बढ़ी उससे गर्मी का तापमान बढ़ गया विश्व में। दूसरा, गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ी है, गाड़ियों के प्रदूषण से भी प्रभाव पड़ा है। तीसरा, अपने यहाँ पहले हाथ के उद्योग होते थे, अभी बड़े बड़े कारखाने मशीनें हैं, उसके कारण है। जंगल कट रहे हैं, एक और कोई बात थी, तो ये तो निश्चित है, शाश्वत सत्य है, ये परिवर्तन तो होना ही है, इसको होने कोई भी नहीं टाल सकता, क्योंकि ये चीज़ें तो बंद होंगी नहीं, तो विश्व का भूगोल तो बदलेगा ही। हाँ, अब सवाल आता है शांति क्या। तो देखो, व्यक्ति समाज की इकाई है। देखो, आज भले लोग शिक्षित हैं या अशिक्षित हैं, हम ये मान लें कि कई लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसा वर्ग है, तो उनके अंदर 5 विकार बहुत हैं। जो शिक्षित पढ़े लिखे योग्य धनपति कुबेरपति हैं, उनमें विकार नहीं है, ऐसा कहेंगे? नहीं, विकार तो सब में बराबर है, चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ा हो, शिक्षित हो अशिक्षित हो। अपन सोचते लोग पढ़ेंगे लिखेंगे शिक्षित रहेंगे, उनके जीवन में बहुत सुव्यवस्थित लाइफ रहेगी, दुनिया सुव्यवस्थित रहेगी, लेकिन अपन ये देख रहे हैं जो आज पढ़े लिखे लोग हैं 5 विकार से तो वो भी ग्रसित हैं। अब इसका इलाज कौन करे? दूसरी बात ये है कि लोग कहते मन बहुत अशांत होता है, और हम तो कई बार कह चुके कि ऐसा लगता है कि 22वीं सदी कौन सी सदी है, डिप्रेशन की है। जिसको देखो ना, कितना कॉमन शब्द हो गया, तनाव डिप्रेशन। हम लोग छोटे छोटे थे, जब बड़े हुए तो हम ये जानते ही नहीं थे, सिर दर्द क्या होता, बीमारी क्या होती, तनाव क्या होता, अपन जानते थे। और आज इतना सा बच्चा है ना, इतना सा, वो भी तनाव में बैठा है, उसका भी मूड आप है, कितनी गिरावट होगी दुनिया में। तो अब तो जो मन अशांत होता है, मन उद्वेलित होता है, मन विचलित होता है,
मन हलचल में आता है, हिल जाता है, क्योंकि जो मनुष्य आत्माएं हैं उनके अंदर, हमारे अंदर भले शिक्षित हैं, धनवान है, उससे क्या हुआ, हमारे अंदर दो बात की खास कमी है, एक सद्गुणों की, एक ईश्वरीय शक्तियों की। अगर ये दो चीज़ हमारे अंदर आए ना, ईश्वरीय गुण, सद्गुण, सद्गुण, एक मानवीय गुण भी होता है, एक दैवी गुण भी होता है, एक ईश्वरीय गुण होता है, वो गुण हमारे अंदर आए तो हमारे अंदर शक्तियाँ भी आएंगी, और फिर हमारे अंदर हमारा मन शांत क्यों होता है, जब हम अशुद्ध विचारों से ग्रसित होते हैं, अशुद्ध विचार या व्यर्थ विचार या साधारण विचार, ऐसे 19 प्रकार के विचार होते हैं, 19, जिसमें मैंने 3 प्रकार के बताए कि हम आज के दिन पर शुभ संकल्प लेंगे कि दुनिया को शांत बनाना है, विश्व में शांति लानी है, विश्व में शांति लानी है, भारत को अग्रदूत बनाना है, भारत को अग्रदूत बनाना है, तो मैं मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क से अशांत नहीं होऊंगी, मैं हलचल में नहीं आऊंगी, मैं विचलित, व्यथित, डिस्टर्ब नहीं होऊंगी, न मन से, न वचन से, न कर्म से, न संबंध में, न संपर्क में। तो शांति का मतलब ये नहीं कि जिम्मेदारी छोड़ दें, कर्तव्य से विमुख हो जाएं, घर बार छोड़ के कहीं धुनी रमा दें, ना, घर बार छोड़ के धुनी रमा लें, उसकी ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता है अपने संकल्प शक्ति को शुद्ध और पवित्र बनाना है, हमारे संकल्प की, जैसे आपको लाइफ क्वालिटी की चाहिए, घर बढ़िया चाहिए, परिवार बढ़िया चाहिए, आमदनी बढ़िया चाहिए, कपड़ा बढ़िया चाहिए, थॉट्स भी शुद्ध पवित्र चाहिए। अगर हमारे संकल्प शुद्ध होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं और हमारे मन को शक्ति देते हैं, हमारा मन अशांत नहीं होता। देखो, घर में एक परिवार है, आजकल तो छोटे परिवार होते, घर में एक व्यक्ति भी अशांत होता है, एक व्यक्ति, बाकी ठीक हैं थोड़े, एक, तो सारा घर नरक हो जाता। कहते क्रोधी के घर के घड़े का पानी सूख जाता। देखो, कोई मित्र संबंधी क्रोधी हो, उसके पास जाने का भी मन नहीं करता, अरे क्या करें जाके, उनका तो व्यवहार ही ऐसे ही है, उनका तो मूड ही ऐसा होगा ना। तो इसलिए मना शांति के उसके बदले में क्रोध हो गया, शांति हो गई। तो अब हम ये व्रत लें, देखो जब हम अशांत होते हैं, क्रोध करते हैं, जब हम अशांत होते, क्रोध करते, तो हमारी कितनी नसें काम करती हैं, जब हम खुश होते, मुस्कराते, तो हमारी कितनी नसें काम करती हैं, थोड़ी सी। कहते क्रोध में आने से खून भी जहरीला हो जाता है, क्रोध में आने से, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये नरक के द्वार है, विकार। तो ईश्वरीय ज्ञान और राज्य, आप कहेंगे बहन जी आपकी बात तो बहुत असंभव है, बहुत असंभव है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम शांत रहें, आवेश में ना आए, डिस्टर्ब ना हो? हो सकता है, क्योंकि जो परमपिता परमात्मा हमको
राजयोग सिखाते हैं, राजयोग से वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो हमें शक्ति प्राप्त होती है, हमारा मन शांत हो जाता है। देखो देखो, जैसे घर में दूध रख दिया, दूध उबल गया, रात हो चुकी है, दूध मिलेगा नहीं, बच्चा रात भर क्या पिएगा, और भी कोई ज़रूरत होती है। तो दूध उबलने के साथ साथ उबालने वाले ने ध्यान नहीं दिया, या मेरा ही ध्यान नहीं था, और दूध बह गया, वो तो तरल पदार्थ है। तो दूध के साथ साथ क्या हो गया, मैं भी उबल गई। दूध कितने का था, मान लो 100 रुपये का था, 100 रुपये का दूध था, और मेरी शांति कितने कीमत की थी, वो खरीद ही नहीं सकते। अपनी शांति कहीं मार्केट में है कि अमेरिका में है, यूरोप में है, मंगा लें अपन, कहीं नहीं है। तो देखो, हमारे जीवन में सुबह से रात तक हमको घर भी संभालना है, बच्चों को संभालना, धंधा भी करना, शॉपिंग भी करना, समाज में मेल जोल भी रखना, निभाना, आना जाना, सब कुछ करना है। कोई साधु बैरागी थोड़ी बनना है कि साधु बन जाएंगे तो शांति आ जाएगी, क्या उनमें क्रोध नहीं है? ये तो ईश्वर का एक वरदान है, जो राजयोग है, परमात्म वरदान है, परमात्म शक्ति है, जिस ज्ञान को सुनने से मन शांत, शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली, श्रेष्ठ बन जाता, और हमारे मन में अशुद्ध व्यर्थ संकल्प उत्पन्न नहीं होते, और परिस्थितियों को हम कंट्रोल कर लेते, जीत लेते, तो हम ऐसे शुभ दिन पर, जैसे लोग व्रत करते ना कि गणेश चतुर्थी है तो तीजा है, तो कोई रविवार करता, कोई एकादशी करता, तो अन्न छोड़ देंगे, अशुद्ध चीज़ें छोड़ देंगे। भले अन्न मत छोड़िए, लेकिन ये ज़रूर छोड़िए कौन सा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। निश्चित संसार शांतिमय, सुखमय बन जाए। हाँ, हमारे साथ ऐसे कोई, ये देवताओं की दुनिया नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है। अभी तो सतयुग आने के रोशनी दिख रही थोड़ी थोड़ी, कलयुग जाने का, अभी तो हम बीच में हैं। हमारे साथ ऐसी बहुत घटनाएं बातें होती हैं जो हमें विचलित करेगी। विचलित क्या, हमें हिला ही देगी। हमारे साथ ऐसी घटना होगी जो हमको हिला ही देगी, कोई बात नहीं। हमारे अंदर हम ये महसूस करते, हमारे साथ कौन है, सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा, परमात्मा के दिए हुए उनके महावाक्यों से जो मुझे सद्गुण प्राप्त हुए हैं, मुझे जो नम्रता, उदारता, सरलता, गंभीरता, धैर्यता, दृढ़ता, जो ये सद्गुण मुझे प्राप्त हुए हैं, और जो मेरे अंदर सहन शक्तियाँ हैं ना, भले परिस्थिति दिखती है कि अरे मेरे साथ सब उल्टा हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया, बिल्कुल उल्टा नहीं हुआ, वो सीधा हो जाएगा परमात्म शक्ति से। तो हम आज के शुभ अवसर पर ये शुभ संकल्प करें कि मैं व्रत लेती हूँ, मैं क्रोध नहीं करूँगी, मैं शांत रहूँगी। लक्ष्य रखेंगे तो मंजिल हासिल करना कोई बात नहीं है। तो अभी हम सभी 5 मिनट शांति में बैठने का
अभ्यास करेंगे तो अभ्यास, आप तो अपने कुर्सी पर बैठे हैं, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए और जो मैं संकल्प करूंगी आप उसको महसूस करेंगे और अपने घर में भी जाके रात को भी थोड़ा अभ्यास करके सोएंगे, सुबह भी अभ्यास करेंगे, दिन में भी, हम उसको सुमान कहते हैं। इन संकल्पों को देखो, आत्मा का गुण क्या है, शांति की अशांति, आत्मा का निज गुण, आत्मा के सात गुण हैं। शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप। आत्मा को देखो, किसी की मृत्यु होती तो 3 मिनट साइलेंस। आत्मा का सुधर्म शांति है, तो हम ये अभ्यास करेंगे ना, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और अगली जो आत्मा है मेरे सामने, वो भी शांत स्वरूप है, वो आत्मा भी। तो हम ये व्रत लें, उससे क्या होता है कि अशांत होने से, व्यर्थ सोचने से आत्मा की शक्ति स्वाहा हो जाती, नष्ट हो जाती। दिन पर दिन हमारा मन व्यर्थ सोचने से, अशुद्ध सोचने से तो विकर्म बनता, पाप कर्म बनता। व्यर्थ सोचने से आत्मा शक्तिहीन बनती, नहीं फुल स्टॉप, मुझे नहीं सोचना ना, मुझे अच्छे बीज बोने हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने घर को, संसार को सुखमय बनाना है। तो आइए हम सब 5 मिनट इस अभ्यास का अनुभव करते हैं। संकल्प करती हूँ, मैं अपने से शुभ संकल्प करती हूँ, मैं अपने स्वधर्म का पालन करूँगी। मेरा स्वधर्म, मैं शांति स्वरूप, प्रकाश पुंज, अति सूक्ष्म
प्रकाश पुण्य आत्मा हूँ। यह देह अलग है, इस देह को चलाने वाली, इन इंद्रियों को चलाने वाली मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। मैं अनादि अविनाशी अजर अमर आत्मा हूँ। मुझे शांति की अद्भुत गहराइयों का अनुभव हो रहा है। मेरे चारों ओर ये शांति की किरणें, शीतलता की वाइब्रेशन कोने कोने में फैलते जा रहे हैं। संसार में शांति की किरणें फैलती जा रही हैं। मैं प्रकाश पुंज आत्मा शांति के सागर परम प्रिय परम पिता परमात्मा के साथ विराजमान। मेरा मन बुद्धि परम पिता परमात्मा के लव में लीन होता चला जा रहा। मेरे अंदर परमात्म शांति, शांति की शक्ति बढ़ती जा रही। मेरे में परमात्म शक्ति समाती जा रही। मेरा मन हल्का शुद्ध शांत होता जा रहा। ये किरणें विश्व में फैल रही है। निश्चित संसार सुखमय बनेगा, प्रकृति भी शांत हो जाएगी, जीव जंतु भी शांत हो जाएंगे, इंसान भी बदल जाएंगे। विश्व परिवर्तन का कार्य, सृष्टि परिवर्तन का कार्य स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। मेरे अंदर भी वो ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मैं शुभ संकल्प करती हूँ, न मैं अशांत होऊंगी, ना मैं किसी को अशांत करूंगी, ना मैं दुख दूंगी, ना मैं दुख लूंगी। जीवन के राहों में तुमसे उजीरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। जीवन की राहों में तुमसे उजीरा, प्रेम का प्रकाश मेरे प्राणों में बिखेरा। आंचल में भर के कहा लाल मेरा,
प्रभु धन्यवाद।